नमस्कार नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड उपनिष्ठी के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट लेके आई हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं इसके बारे में हम पार्ट 1, 2 और 3 के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वॉर्नर थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, ये शॉर्ट नोट्स करके आता है। व्हाट इज वॉर्नर थ्योरी, वॉर्नर थ्योरी से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी है, कौन सी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी है, जिस चीज़ को हमें एक्सप्लेन किया था साइंटिस्ट वॉर्नर ने, इसलिए हम इस थ्योरी को कौन सी थ्योरी कहते हैं, वॉर्नर थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो वॉर्नर थ्योरी क्या है, देखिए, लेट अस डिस्कस अबाउट द वॉर्नर थ्योरी। वॉर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, हमारी वॉर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एक्सप्लेन करूंगी यार। इन 1983 वॉर्नर प्रोड्यूस ए थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन और उनकी बॉन्डिंग किस टाइप से होती है किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, उस चीज को एक्सप्लेन करा वॉर्नर ने 1893 में। दिस थ्योरी इज नोन एज द वॉर्नर थ्योरी। इस थ्योरी को हम किस नाम से जानते हैं, वॉर्नर थ्योरी के नाम से जानते हैं। मैंने क्या बोला कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन एंड द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए वॉर्नर ने थ्योरी दी, जिसे हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वॉर्नर थ्योरी के नाम से जानते हैं। वॉर्नर वाज द फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द केमिस्ट्री 1913। आपको ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट नोबेल प्राइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो मिला था केमिस्ट्री में वो था वॉर्नर, जिसको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर टू काइंड ऑफ वैलेंसी ऑफ द मेटल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेट कंपाउंड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। वॉर्नर ने कहा कि जो मेटल के सेंटर मेटल के सराउंडिंग में जो वैलेंसी होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी कौन सी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी। क्या कहने का मतलब है, सेंटर मेटल सराउंडिंग बाय एनी लिगेंड, सेंटर मेटल आपका कोई है जैसे कि CO NH3 का CO3 CL2, ये आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ये आपको मैं बता चुकी हूँ दिस इज द कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और कोऑर्डिनेट कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए हमारा क्या होता है, सेंटर मेटल होता है। ये हमारा क्या कहलाता है, सेंटर मेटल, और दीज आर नोन एज द लिगेंड। प्रीवियस वीडियो में आपको मैं आपको ये बता चुकी हूँ, प्रीवियस पार्ट 3 में आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बटा लिगेंड, हमारे लिगेंड क्या होते हैं, प्राइमरी लिगेंड, आपके लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये सेंटर मेटल हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट का पहला एलिमेंट होगा सेंटर मेटल होगा, अगर बाहर से कुछ लिखे गए हैं आगे या पीछे वो हमारे क्या कहलाते हैं, काउंटर आयन के नाम से जानते हैं। तो वॉर्नर ने उसी चीज को एक्सप्लेन करा, उसने कहा सेंटर मेटल इज सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ लिगेंड एंड द कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड टू टाइप ऑफ वैलेंसी, वन इज द प्राइमरी वैलेंसी, सेकंड इज द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। हमारी जो वैलेंसी भी होती है उसने उस लिगेंड को उन वैलेंसीज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी कौन सी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज बाय डॉटेड आयन, सेकेंडरी वैलेंसी बाय द सॉलिड आयन। प्राइमरी वैलेंसी को किससे शो करता है, डॉट डॉट लाइन से, और सेकेंडरी वैलेंसी को किससे करते हैं, थिक लाइन से प्रोड्यूस करते हैं। एक्सप्लेनेशन स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ वॉर्नर थ्योरी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी, मैंने ये तो आपको बताया था कि उनका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, प्रेजेंटेशन डॉट डॉट लाइन से होगा तो प्राइमरी वैलेंसी आप फाइंड आउट कर लोगे, देख लोगे, पहचान लोगे, उनका स्ट्रक्चर बना लोगे। सेकेंडरी वैलेंसी होगी तो उसको थिक लाइन से शो कर दोगे, लेकिन उसका स्ट्रक्चर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, उस चीज को हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड के स्ट्रक्चर कोबाल्ट के 3rd कॉम्प्लेक्स में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ कोबाल्ट 3 एमीन कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ वॉर्नर थ्योरी। वॉर्नर थ्योरी के बेसिस पर कोबाल्ट 3 का कॉम्प्लेक्स देर का CO NH3 का होल 3, 1, 2, 3 कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 CO NH3 का होल 6 और 1, 2, 3 तीन से, ये हमारा फॉर्मूला है CO NH3 का होल 6, ठीक है, CL3 आपका कॉम्प्लेक्स है फॉर्मूला। अब इसमें प्राइमरी वैलेंसी को किससे शो करता है, हमारे डॉट डॉट लाइन से, तो यानी कि कहने का होता है जो आयनिक वैलेंसी होगी, क्लोरीन पे कैसा चार्ज होता है Cl-, ब्रोमीन पे कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव, मतलब जितनी भी आयनिक स्पीसीज होगी जिन पर चार्ज होता है, जैसे अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता, अमोनिया न्यूट्रल हुआ, वाटर पर कोई चार्ज नहीं हुआ, ठीक है, साइनाइड Cl- Br- I-, ठीक है, Cl-, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम यहाँ क्या कहते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी की पहचान करिए। दूसरी होती है कौन सी वैलेंसी, जो बच गई जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इनकी जो थिक स्ट्रक्चर होता है जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है, चार्जलेस स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, थिक वैलेंसी। यानी कि एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जैसे कि NH3 H2O EN, ये बाइवेलेंट लिगेंड में आता है, लिगेंड वाला टॉपिक आप पार्ट 3 में देखेगा, मैंने उसमें बताया था, बहुत सारे एग्जांपल है, फिलहाल मैं आपको दो बता रही हूँ, एक NH3 का, दूसरा क्या होगा H2। इस वैलेंसी को हम कौन सी वैलेंसी कहेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी। अब जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रखा है, ये आपका हो गया CO
आपका एक ये एन एस थ्री, ये एन एस थ्री, ये एन एस थ्री, ये एन एस थ्री, ये आपकी कौन सी वैलेंसी है? आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है जो थिक लाइन से शो कर रही है, दिख रही होगी आपको थिक लाइन से। और प्राइमरी वैलेंसी क्या है? ये सीएल हो गया, ये सीएल हो गया, सीएल माइनस चार्ज दिख रहा होगा, ये कौन सी वैलेंसी होगी? प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी किससे शो करते हैं? डॉटेड लाइन से। द स्ट्रक्चर ऑफ कोबाल्ट एमीन कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी इन ऑल द कॉम्प्लेक्स द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सीओ इज थ्री एंड सेकेंडरी वैलेंसी सीएल। आपको दिख रहा है सभी में एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, सब में प्राइमरी वैलेंसी कितनी है लिखा है? तीन है। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? छह है। सारे स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा प्राइमरी वैलेंसी को हमने किससे शो कर रखा है? डॉट डॉट लाइन से। और सेकेंडरी वैलेंसी को किससे शो कर रखा है? थिक लाइन से हम शो करते हैं, ठीक है। तो वार्नर ने सबसे पहला पॉइंट यही दिया था कि प्राइमरी वैलेंसी को किससे शो करते हैं? डॉट डॉट लाइन से। सेकेंडरी वैलेंसी को किससे करते हैं? थिक लाइन से शो करते हैं। इस चीज को एक्सप्लेन ऐसे भी कर सकते हैं, मेरे एग्जाम्पल लड़का जैसे CuCl3 6NH3 एक सिंपल फॉर्मुला है, उसको कोऑर्डिनेट में चेंज करा है तो क्या हो? CuCl3 जो भी अभी आपको मैंने बोला ये CuCl3 यही बनाया स्ट्रक्चर मैंने, वो देखिए CuCl5 एक सीएल हो गया बाहर, Cl2 हो गया। इस तरह से हम इसको कई फॉर्मों में एक्सप्लेन करते हैं। अब आप सोचोगे कि एक सीएल बाहर करने से क्या फायदा होगा? आप ये देखिए कि सेंटर मेटल इज सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ लिगेंड इज 6। सेंटर मेटल को ही 6 लिगेंड से ही सराउंडेड करना है। 6 लिगेंड से सराउंडेड करने का मतलब हो गया 5 ही हो गए, एक सीएल को अंदर एक्सचेंज कर दिया और ये सीएल बाहर चले गए। लेकिन ये अभी भी सीएल माइनस को डॉट डॉट लाइन से ही शो किया जाएगा, यही एक्सप्लेन करना चाह रही हूं मैं आपको। अभी इसको कितना लगाना है? कोऑर्डिनेशन ऑफ 5, अभी कितना हो गया? अभी भी कोऑर्डिनेशन ऑफ 6 है, दो सीएल को अंदर कर दिया और सीएल बाहर हो गया, ठीक है। तीन सीएल, ये CuCl3 और Cl3, ठीक है, NH3 और बाहर क्या कर दिया? NH3 के होल साइज बाहर कर दिया। तो ये आपकी चाहे ये सीएल माइनस बाहर चले गए, लेकिन अभी भी आपकी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी एक साथ शो हो रही है। वर्नर थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेसिस पर भी वर्नर थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया। देखिए मोलर कंडक्टिविटी मेजर द मेथड ऑफ कंपाउंड CuNH3 6Cl3 CuNH3 5 ClCl2 CuNH3 4 Cl2 एंड CuNH3 5 Cl showing decreasing order of conductivity due to the formation of 4Cl-, 3Cl-, 3 ions, 2 ions and the no ions respectively in the solution। क्या मतलब है कि मोलर एक्सपेरिमेंट बेसिस पर देखा गया, मेजरमेंट के बेसिस देखा गया कि जितने आयन प्रोड्यूस होते हैं उसी के बेसिस पे उसकी मोलर कंडक्टिविटी यानी कि आयन्स के रिस्पेक्ट में उसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड होती है। कैसे? देखिए कि जब हमने पहले वाले कॉम्प्लेक्स को लिया और हमने इसको आयनाइज करा, हमने इसको आयनाइज करा, मैंने आयनाइज करना भी इसमें एक्सप्लेन करता है। देखिए हमने इसको आयनाइज करा पहले वाले कॉम्प्लेक्स को, तो CuCl3 अगर इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ना भी सीख लीजिए क्योंकि आगे आपको आईयूपीसी नेम नेक्स्ट पार्ट में आपको आईयूपीसी नेम लिखना सीखना है। तो इसको ब्रेक करेंगे तो इतना आपको बता रखा है, ये इतना वाला पोर्शन हमारा क्या रहता है? फिक्स रहता है। ये हमारा पोर्शन क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, ठीक है, आपका ये पोर्शन फिक्स रहेगा। तो अब देखिए CuCl3 इतना पोर्शन फिक्स है क्योंकि सेंटर मेटल लिगेंड है और ये जो बाहर होंगे ये काउंटर आयन बाहर अलग हो जाएंगे, 3Cl- आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन का 3Cl आयन बाहर की तरफ को रह जाएंगे, यानी कि 3 क्लोराइड आयन जो मोलर कंडक्टिविटी को शो करेंगे। सेम वे CuNH3 5 ClCl2 है तो इतना कॉम्प्लेक्स आयन अलग हो जाएगा, इतना कॉम्प्लेक्स अलग हो गया 2Cl- आयन, इसमें कितने मिलेंगे? 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे। तीसरे वाले में हमारे मिलेंगे आपका कितना हो गया? 1Cl- आयन। और चौथे वाले में कोई भी आयन बाहर नहीं है, सो वी गेट नो आयन इन द सॉल्यूशन, हमें एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी आयन नहीं मिलेगा। ये था आपका मेजरमेंट मेथड बाय द वार्नर। दूसरा था प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मेथड क्या कहता है? When cobalt amine chloride complex react with the AgNO3, some of the Cl minus ion get precipitated with AgNO2 to form AgCl। अगर हम इन आयनों को यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को AgNO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो AgNO3 के साथ ट्रीट करने पे जितने आयन ब्रैकेट के बाहर होंगे यानी कि काउंटर आयन जिनको हम किस नाम से जानते हैं, काउंटर आयन, तो काउंटर आयन अगर AgNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो यू नो दैट जब हम AgNO3 के साथ काउंटर आयनों को ट्रीट कराएंगे तो उसके Cl- आयन रिएक्शन करके क्या बाहर निकाल देंगे? AgCl को एलिमिनेट कर देंगे और सब क्या करता है? AgCl फॉर्म हमें क्या मिलेगी? AgCl की फॉर्म मिलेगी। तो दिस इज द प्रेसिपिटेशन मेथड। इसके बेसिस हम क्या फाइंड करते हैं? देखिए द नंबर ऑफ Cl- आयन दैट आर एनर्जेटिक प्रेजेंट इन द आउटर साइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर रिएक्ट विद द AgNO3। यही बात मैंने बोली, जितने आयन ब्रैकेट के बाहर होंगे ये AgNO3 से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? AgCl का प्रेसिपिटेट बनाएंगे। Thus the coordinated compound AgNH3 6Cl3Cl2 and Cl react with gives 3-2-1 and mole of the AgNO3 to form 3-2-1 mole of the AgCl। Obviously अगर इसमें 3 Cl है तो 3 AgCl के साथ ट्रीट होगा तो 3 AgCl molecules प्रोड्यूस होगी। अगर मान लीजिए AgNO3 के साथ ट्रीट करें और यहाँ पर 2 Cl है, 2 Cl होने का मतलब समझ रहे हैं
अगर कहने का मतलब है सी और इसकी को होल फाइल सी एल और ये हो गया सी एल टू, दो सी एल है, तो हम इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, हम ट्रीट करेंगे AgNO3 के साथ। ये प्रेसिपिटेशन मेथड कहलाता है, जितने आयंस प्रेसिपिटेट होंगे उसके बेसिस पर फाइंड आउट करेंगे कि कितनी प्राइमरी और कितनी सेकेंडरी वैलेंसीज है। जितने होंगे हमारे जितने हैं दो सी एल है, तो वी टेक द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ AgNO3, सो वी फाइंड आउट व्हाई व्हाट वी गेट द टू AgCl मॉलिक्यूल्स एंड ए प्रेसिपिटेट, AgCl का प्रेसिपिटेट हमें दो सी एल का AgCl का प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा एंड रिस्पेक्टिवली देयर आर 3, 2, 1 है द एलिजिबल सी एल माइनस आयन रिस्पेक्टिवली, जिससे हम फाइंड आउट करेंगे कि कितने सी एल आयन यानी कि कितनी प्राइमरी वैलेंसी उस मॉलिकुलर फॉर्मुले में उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो ये दो मेथड थे, पहला मेथड और दूसरा मेथड। पहला मेथड आपका था सिंपल मेथड ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, दूसरा था प्रेसिपिटेशन मेथड जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी प्राइमरी वैलेंसीज है और कितनी सेकेंडरी वैलेंसीज है। अब आप जानते हैं कोई भी थ्योरी एक्सप्लेन की जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट या कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं और वही कमियां डिफेक्ट के रूप में आती हैं। तो कुछ डिफेक्ट भी थे बॉर्नर तरीके, देखिए ऑल्दो द थ्योरी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मेनी कंपाउंड, हम हालांकि इससे किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर ले रहे हैं, जैसे हम ये दिखा रहे हैं हमने इसके कई स्ट्रक्चर बनाए NH3COOH5, NH3COOH6, NH3COOH4, बट मैनी ऑफ द कंपाउंड इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल एटम एंड आयन द लिगेंड। लेकिन हर केसेस में जरूरी नहीं है कि कोई भी हर कंपाउंड इस तरह की इस रूल को फॉलो करे या उसके काउंटर आयन ब्रैकेट के बाहर या अंदर चले जाए, तो ये ब्रैकेट के बाहर और अंदर नहीं जाएंगे तो उसके क्या होगा, डिफेक्ट के रूप में सामने आए। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल एटम आयन एंड द लिगेंड। ये थ्योरी नेचर ऑफ द बॉन्डिंग, उसमें किस टाइप की बॉन्डिंग है, आपको पता है बॉन्डिंग कई टाइप की होती है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किस टाइप के बॉन्ड है सेंटर मटेरियल और लिगेंड के बीच में, हम ये बता रहे हैं इसमें इस टाइप की बॉन्डिंग है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन किस टाइप की बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग कैसे डेवलप हो रही है, इस चीज को बॉर्नर एक्सप्लेन नहीं कर सका। दूसरा क्या था, बॉर्नर थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई 4 और 6 कोऑर्डिनेट नंबर आर द परफेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। हम देखेंगे अभी, हम आपको थ्योरी जब पढ़ाएंगे, अभी तो हम स्टार्टिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टार्टिंग करिए, आप देखेंगे जितना भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में परफेक्ट थ्योरी यानी कि सारे रूल फॉलो किए जाते हैं, सारे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो जाते हैं, सारे स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 8 की तरफ को, 5 में भी, अगर 5 में भी देखेंगे 2 की तरफ को, तो हमारे स्ट्रक्चर या उनकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, गलत होने लग जाती है, हमारी बॉन्डिंग परफेक्ट नहीं हो पाती है। तो वॉर्नर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने के पीछे लॉजिक क्या है, वॉर्नर इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये हमारे मेन डिफेक्ट थे हमारे इस थ्योरी के, जो हमें नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, तो ये थी आज हमारी वॉर्नर थ्योरी, यानी कि हमने आज वॉर्नर थ्योरी में क्या सीखा कि सेंटर मेटेरियल सराउंडिंग में जितने लिगेंड होते हैं वो दो टाइप की प्राइमरी, दो तरह की वैलेंसी शो करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, और हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको दो मेथड एक्सप्लेन करे। तो अब आप बता लेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी किसे कहेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी किसे कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वॉर्नर थ्योरी। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, आपका नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा नेक्स्ट पार्ट 5, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर या EA नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।